आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कस्टर्ड एप्पल खाना चाहिए। ये कस्टर्ड एप्पल क्या होता है? सीताफल। क्योंकि कस्टर्ड एप्पल जो है, एक तो वो आपको हर जगह नहीं मिलता, आई मीन वर्ल्ड के हर कंट्री में आपको नहीं मिलता, और इसके ऊपर रिसर्चेस भी काफ़ी कम हुई हैं। लेकिन मैंने जब देखा कस्टर्ड एप्पल के न्यूट्रिएंट्स के बारे में और एक दो रिसर्चेस जो हुई हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो जो एक दो रिसर्चेस के बारे में मैंने पढ़ा, उनमें यही निकला कि कस्टर्ड एप्पल जो है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है। इवन तो सेफ ही नहीं, बल्कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको सीताफल किस तिमाही में खाना सेफ होता है या रिकमेंडेड होता है। जैसे कि मैंने बोला कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसी आधार पर ये बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये किस ट्राइमेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ऑल दो जिन लेडीज़ ने इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाया है, उनके लिए भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, या सेकेंड में या थर्ड में ऐसा सच नहीं देखा गया है प्रॉब्लम। लेकिन हर प्रेगनेंसी, हर महिला की बॉडी डिफरेंट होती है। अगर आपको सीताफल खाने पर सूट नहीं करता है, देन यू शुड इमीडिएटली स्टॉप ईटिंग कस्टर्ड एप्पल। तो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, इसके अपने आप में बहुत फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी इसके नुकसान भी क्या होते हैं, क्योंकि नुकसान जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप उसके लिए सतर्क रह सकें। सीताफल जो होता है वो फॉलिक एसिड का बहुत ही रिच सोर्स होता है। फॉलिक एसिड आपके बच्चे की स्पाइन और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम से, फर्स्ट मंथ से, ये जिस दिन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसी टाइम से आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसे में जो आप सप्लीमेंट लेते हैं वो पूरा आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसीलिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको नेचुरल फूड से भी लेने चाहिए। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपको सीताफल में, कस्टर्ड एप्पल में काफ़ी सारा मिल जाता है। ये आपको प्रीक्लम्सिया से भी बचाता है। प्रीक्लम्सिया क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो प्रीक्लम्सिया जो होता है उससे वो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इन शॉर्ट। और प्रीक्लम्सिया को जो खतरा होता है उसको कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है कैल्शियम। और सीताफल में आपको कैल्शियम काफ़ी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रीक्लम्सिया का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसमें फॉलेट होता है, उसके अलावा इसमें ना विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन ए आपके और आपके बच्चे की आईसाइट के लिए, आँखों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो विटामिन सी है वो हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा है। साथ ही साथ विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए, आपके बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा असेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप कस्टर्ड एप्पल जो है वो राइट अमाउंट में खाते हैं, तो आपको जो मिसकैरेज का जो खतरा होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपको अपने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उल्टी का या चक्कर का, नौजिया का, डिजीनेस का प्रॉब्लम होता है, तो आपको कस्टर्ड एप्पल ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये आपको अपने आपकी मॉर्निंग सिकनेस में भी राहत देता है। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ नुकसान क्या हैं। जब आप कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो प्रक्रिया है उसको ख़राब कर सकता है, आपके बाउल मूवमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और सीताफल में बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और उनमें से एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स है पोटेशियम, लेकिन ये पोटेशियम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और जब आप सीताफल थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो पोटेशियम की क्वांटिटी आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जब आपकी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तब जो हार्ट डिजीज हैं, कार्डियो डिजीजेज हैं, वो होने का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वो होता है कि बार बार यूरिन होने का अर्ज होता है, क्योंकि ब्लेडर जो है वो ज़्यादा यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। लेकिन जब आप सीताफल ज़्यादा खाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको यूरिन होल्ड करने में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जल्दी जल्दी आपको यूरिन पास करने की अर्ज होती है, तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो तभी होते हैं जब आप
कस्टर्ड एप्पल को एक ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। क्या है वो सही क्वांटिटी? देखिए, आप एक दिन में एक कस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं, लेकिन वो कस्टर्ड एप्पल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। बीज वाला पार्ट आपको नहीं खाना है, जो पल्प होता है, जो गूदा वाला पार्ट होता है, सिर्फ आपको वो खाना होता है। अच्छे से वॉश करके उसको खाइए, जिससे कि यू नो किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या जर्म आपके बॉडी में ना जाए। जो इसका बीज होता है उसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जो इसका बीज है वो मिसगैरेज का कारण बन सकता है, और जबकि जो पल्प है वो आपको मिसगैरेज से बचा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है। अगर आपको कस्टर्ड एप्पल खाने के बाद में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है, नौजिया होता है, किसी भी तरीके का आपको परेशानी होता है, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसको आप कंटिन्यू नहीं कीजिए। आपको जैसे मैंने बोला, आप एक दिन में एक कस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि आपको सातों दिन कस्टर्ड एप्पल आप खा सकते हैं। आप सातों दिन कोई भी एक फ्रूट आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और इस टाइम पे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। तो आपने एक दो दिन कस्टर्ड एप्पल खा लिया, किसी और दिन आपने अनार खा लिया, किसी और दिन आपने एप्पल खा लिया, इस तरीके से आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, अपने फूड की वैरायटीज थोड़ी सी बढ़ाइए, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।